लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र खारगर कोपरा में सड़क काकरीटीकरण कार्य का आज से शुभारंभ हो गया। स्थानीय बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर ने इन विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए भरोसा दिलाया कि कोपरा गांव परिक्षेत्र में विकास के जितने वादे किए गए हैं उसे जल्द पूरा किया जाएगा। कोपरा गांव के नगर सेवक नरेश ठाकुर लगातार यह सड़क सीमेंटीकरण की मांग कर रहे थे। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर कविता चौथमुल, सभागृह नेता परेश ठाकुर, नगर सेवक नीलेश बाविस्कर समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। खारगर के कोपरा गांव में अब नागरिकों के लिए कंक्रीट सड़क तैयार हो रही है। बीजेपी के युवा नगर सेवक नरेश ठाकुर लगातार इसकी मांग कर रहे थे, जिसके बाद स्थानीय विधायक प्रशांत ठाकुर ने पनवेल मनपा के सौजन्य से कोपरा गांव की आंतरिक सड़क की सीमेंटीकरण की शुरुआत कराई। इन नागरी विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए विधायक प्रशांत ठाकुर ने यहां युवा नगर सेवक नरेश ठाकुर के प्रयासों की सराहना की। वही कोपरा में दूसरे विकास कार्यों को भी जल्द पूरा कराने का भरोसा दिलाया। पनवेल महापालिका की महापौर डॉक्टर कविता चौथमोल जी और उसके साथ साथ पूरी बॉडी ने मिलकर आज अलग अलग 19 जगह पे भूमि पूजन या अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लोगों को जो जो आश्वासन दिए गए हैं उन आश्वासनों का पूरा करते हुए इस पूरे कॉरपोरेशन के एरिया के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जो चीज़ें लगती है वो देने के लिए महापालिका ने कदम उठाए हैं। मैं इसके लिए मेयर जी, सभागृह नेता, सारे नगर सेवकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस अवसर पर खुद युवा नगर सेवक नरेश ठाकुर ने कहा कि विकसित इलाके के बीच स्थित कोपरा गांव में नागरी विकास की जरूरत थी। आंतरिक सड़क और गटर नालों को ठीक कराना जरूरी है, जिसकी मांग के बाद आज सड़क कंक्रीटीकरण की शुरुआत हो गई है। नरेश ठाकुर ने विश्वास जताया कि जल्द ही अन्य विकास कार्यों की शुरुआत होगी। खूप वर्षापासून हा जो रस्ता खड्ड्यांनी आपल्याला जावं लागत होतं, खूप लोकांना त्रास होत होता, पावसामध्ये पाण्याच्या चिटक्या वगैरे लोकांच्या अंगावर उडत होत्या। या लोकांचं नेहमीच मला समस्या जी लोकांची मला कंप्लेंट येत होती आणि तशा पद्धतीने मी आमदार साहेबांना सांगितलं की साहेब काहीही असू द्या पण मला एक कोपरा गावातलं रस्ता लवकरात लवकर करून द्या। कोपरा आमदार साहेबांनी ते लक्षात घेऊन त्वरित आमचे सभागृह नेते परेजी ठाकूर साहेब तसेच महापौर कविता डॉक्टर कविता चौथमल मॅडम यांना सांगितलं आणि ते आमचा विषय हा लवकर त्यांनी सभेमध्ये घेऊन पास केलं आणि आज खऱ्या अर्थाने आज आम्हाला लवकरात लवकर हा चांगल्या पद्धतीचा रस्ता कॉन्क्रीटीकरणचा रस्ता आम्हाला मिळेल। मी पुन्हा शुभेच्छा देतो आमच्या महानगरपालिकेच्या सर्व सदस्यांना आणि आमच्या आमदार साहेबांना आणि तसेच आज दिवाळी आहे, दिवाळीच्या पण तुम्हा सर्वांना इथल्या विभागातील सर्व खारगाच्या रहिवाशांना दिवाळीच्या मी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो। स्थानीय नागरिकांनी भी कोपरा गाव के विकास के लिए प्रयत्नशील युवा नगर सेवक नरेश ठाकुर की प्रशंसा की और विधायक प्रशांत ठाकुर के प्रति आभार जताया, जिसके मार्गदर्शन में पनवेल मानपा क्षेत्र में नागरी विकास गतिमान है। आमच्या गावात 1917-16 मध्ये ग्राम पंचायत होती, त्यावेळी हा जुना रस्ता तयार झाला। जुना रस्ता या ब्लॉक आणि पिनांचा आहे, त्याचे उत्खनन झालेले आहे, रस्त्या रस्त्यात खड्डे आहेत, तर गाव सुंदर आहे, माणसं प्रेमल आहेत, पण बाहेरून येणारे पाहुणे बोलतात गावातला मुख्य रस्ता असा आहे आणि आम्हाला पण समजतो। तर या दिवाळीच्या मुहूर्तावर हा काम काढल्याबद्दल मी एक ज्येष्ठ नागरिक सर्वांचे महानगरपालिकेचे आभार मानतो आणि अशीच कामं तुम्ही करत राहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।